स्वागत है आपका सिंह ऑटो जोन के नए एपिसोड में। दोस्तों आज हम एक ऐसी कंट्री की बात करेंगे, केस स्टडी करेंगे कि कैसे वो बिल्कुल छोटी होते हुए भी कैसे आज एक लीड रोल एक बनी हुई है बाकी बड़ी कंट्रीज के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल डेवलपमेंट या इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट के स्कोप में। तो कौन सी एक कंट्री उसके बारे में बात करेंगे, ये है नॉर्वे। बिल्कुल जब भी हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, जीरो मिशन की बात करते हैं, तो उससे जुड़ी पॉलिसीज की बात करें तो ये कंट्री नॉर्वे हमेशा सबसे आगे खड़ी हुई दिखाई देती है। बेशक छोटी सी है बट बहुत बड़ा स्टेप है इनका जीरो मिशन में, रिन्यूएबल एनर्जी में, स्पेशली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में। एक थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको, मार्च 2019 में पूरे नॉर्वे में जितनी ओवरऑल हर तरह की गाड़ियां सेल हुई हैं फोर व्हीलर, उसमें से 60% सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल थे। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटी होने के बावजूद ये कंट्री कितनी आगे और कैसे एक एग्जांपल सेट कर रही है। तो बिल्कुल एक केस स्टडी रहेगी कि इस पूरा ओवरऑल इनके जो डेवलपमेंट है इलेक्ट्रिकल व्हीकल उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा उन्होंने इसके लिए क्या क्या किया है, वहां की सरकार ने, वहां के लोग कैसे इस चीज को लेकर चलते हैं, पॉलिसीज क्या है, थोड़ा सा कंपेयर कर लेंगे इंडिया की पॉलिसी के हिसाब से किस तरह इनकी पॉलिसीज चल रही है। अगर आप भी दोस्तों इंटरेस्ट रखते हो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में तो बिल्कुल ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, बने रहिए वीडियो के साथ। चलो चलिए चैनल को वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। बिल्कुल दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं नॉर्वे की, जो कि बिल्कुल छोटा होने के बावजूद भी एक लीड है, इसकी है इलेक्ट्रिकल व्हीकल डेवलपमेंट के मामले में। जैसे मैंने बताया कि मार्च 2019 में जो उनकी टोटल जितने भी गाड़ी सेल हुई थी उसमें 60% सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल थे। इसके अलावा ये कंट्री एक और एक प्लान एक ले चल रही है, एक डेट फाइनल डेट लेकर चल रही है कि 2025 के बाद बिल्कुल भी किसी भी तरह का पेट्रोल या डीजल गाड़ी नहीं बेची जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल गाड़ियां ही मार्केट में सेल होंगी, 2025 से डेट रखी गई है। इसके अलावा वहां पर इतनी ज्यादा बुकिंग है कि वहां के जो डीलर्स हैं उनसे इन गाड़ियों की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है, बिल्कुल काफी स्ट्रगल कर रहे हैं डीलर्स के उसको इंपोर्ट करके इन गाड़ियों की सप्लाई पूरी की जाए। अगर मैं बात करूं इसी साल Q1 2019 जनवरी फरवरी मार्च, तो टोटल 11,518 इलेक्ट्रिकल व्हीकल रजिस्टर्ड किए गए हैं सिर्फ 3 महीनों में। इसके अलावा ये बिल्कुल डबल था जो लास्ट ईयर का डाटा था, 2018 का जो फर्स्ट क्वार्टर था उससे ये डबल है। जो ज्यादा वहां पर मॉडल पसंद किए जाते हैं ज्यादातर वो है टेस्ला का मॉडल 3, निसान की लीफ और वॉक्सवैगन की ई गोल्फ, ये 3-4 मॉडल वहां पर ज्यादा पसंद किए जाते हैं। और भी है, वो जितनी तरह की इलेक्ट्रिकल कार है सब वहां बिकती है, बट ये 3 मॉडल वहां ज्यादा पसंद किए जाते हैं। अगर हम इन नंबर्स को देखें, जो मैंने को बताया कि Q1 2019 में 11,518, ये यूएसए और चाइना के मुकाबले में नंबर्स कम है, बट अगर हम इसको परसेंटेज निकालते हैं पर कैपिटा मीन्स 1,000 लोगों के पीछे कितने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आते हैं, तो उसमें ये बहुत आगे निकलता हुआ दिखाई देता है नॉर्वे, यूएसए, अदर यूरोपियन कंट्रीज या इवन चाइना से भी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हाउ, सबसे बड़ा रीजन है कि छोटी सी कंट्री इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे की, इस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल हम पॉलिसीज की बात कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले दो मेजर फैक्टर रहते हैं किसी भी अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट की बात करें, पहला है इंसेंटिव या सब्सिडी और दूसरा है चार्जिंग इंफ्रा। ये दो ज्यादा रहते हैं, और भी फैक्टर्स हैं बट ये ज्यादा इनको इनकी ही मेजोरिटी रहती है दो फैक्टर्स की। पहले बात करते हैं इंसेंटिव की। दोस्तों इस कंट्री ने, नॉर्वे ने 1990 से ही इंसेंटिव या टैक्स जो स्ट्रक्चर था उसको शुरू कर दिया था। मीन्स हम अभी पिछले साल से इंसेंटिव या फेम स्कीम की बात कर रहे हैं तो 1990 यानी कि 28 साल पहले ही ये शुरू कर चुके हैं, जो हमने अभी शुरू किया है पिछले साल से 2018 से। तो सीधी सी बात है हम कैसे इस चीज को इनसे आगे निकल सकते, पॉसिबल नहीं है। इवन चाइना से भी आई थिंक इतनी जल्दी चाइना ने भी शुरू नहीं किया था। उसके अलावा जो रोड टैक्स है, जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, वो बिल्कुल जीरो रोड टैक्स है वहां पर, जीरो टोल चार्जेस हैं, फ्री पार्किंग दी जाती है। इवन वहां पे जो डेडिकेटेड बस लेन होती थी वहां पर भी कुछ रोड्स ऐसी हैं है जहां पर इन गाड़ियों को अलाउ किया गया है, अब वो भी यूज कर सकते हैं, तो ये भी एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाती है। 2001 में ही, आप यकीन मानोगे दोस्तों, 2001 से ही तकरीबन जो टैक्स स्ट्रक्चर था उसको 25% कम कर दिया गया था, इतना ज्यादा मीन सब्सिडी इंसेंटिव दिया गया है। उन्होंने स्टार्टिंग में एक प्लान बनाया था कि इतने सालों के अंदर हम इसको 50,000 इलेक्ट्रिकल व्हीकल रोड्स पर उतारेंगे, बट उसको 3 साल पहले ही अचीव कर लिया गया, मतलब अच्छी बात है दोस्तों। इसके अलावा एक्स्ट्रा टैक्स भी लगाए जाते हैं, मतलब ग्रीन टैक्स या पोल्यूशन टैक्स कह सकते हैं इसको, जो कोई भी पेट्रोल या डीजल गाड़ी आज के डेट में वहां पर खरीद रहा है तो उस पर टैक्स लगाए जाते हैं। इस सिस्टम को फी बेट सिस्टम कहा जाता है। इंडिया में भी नीति आयोग ने यह सजेस्ट किया है कि जो पोल्यूशन वाले व्हीकल्स हैं उन पर टैक्स लगाया जाए, और वो जो टैक्स से पैसा इकट्ठा होता है उसको आप
एज ए सब्सिडी, एज इंसेंटिव या जो भी है, उस पर उस पैसे को आप यूज कर सकते हैं। मीन्स ऐसे में देखा जाए तो ठीक भी है, बट इसका एक नेगेटिव ये मानता हूं कि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोल नहीं जाता, हमारा ही टैक्स का पैसा, हमसे जो एक्स्ट्रा लगाकर आप वो इंसेंटिव दे रहे हो, तो उनका तो कोई रोल नहीं, उनकी अपनी तरफ से तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रही। खैर ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। दूसरा है चार्जिंग इंफ्रा, आज की डेट में वहां पर 10,000 से ज्यादा, पूरी सिटी में, पूरी कंट्री में, कोई ज्यादा बड़ी कंट्री नहीं है नॉर्वे, 10,000 से ज्यादा जो इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन है वो वहां पर पूरा डेवलप है, काम कर रहे हैं, और हाईवे पर हर 50 किलोमीटर आपको चार्जिंग इंफ्रा मिल जाएंगे। अब बात करते हैं वहां के लोगों की, जो कि बिल्कुल बिलीव करते हैं जीरो मिशन में, इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। काफी ज्यादा साइकिलिंग वहां पर, छोटे रूट्स के लोग साइकिल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और कहीं अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी अच्छा वहां पर डेवलप है तो लोग उसको भी काफी ज्यादा यूज करते हैं। सीधी सी बात है, शो ऑफ नहीं है वहां के लोगों में, बहुत जरूरी है तो वो गाड़ी निकालेंगे, नहीं तो वो जितना नजदीक जाना है वो लोग पैदल निकल जाएंगे, साइकिल पर निकल जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, बिना मतलब के हर बार गाड़ी निकालने का वहां ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। शो ऑफ जैसा सिस्टम जैसा नहीं, जैसे कि जनरली एशियन कंट्रीज में रहता है। तो दोस्तों ये थे कुछ फैक्टर्स जिसकी वजह से आज छोटा सा कंट्री बिल्कुल लीड कर रहा है इलेक्ट्रिकल वहीकल में, बड़े बड़े देशों को, चाइना और यूएसए से भी आगे है अगर हम पर कैपिटा की बात करें। तो दोस्तों ये था, उम्मीद है कि कुछ आने वाले कुछ साल में इंडिया भी कुछ ऐसा ही होगा, उम्मीद कर सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या होगा, जो भी नई न्यूज आएगी, नया अपडेट आऊंगा आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।